हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं सिंह व्लॉगर। आज हम जा रहे हैं आजाद नगर मार्केट और वहां से हम अपनी कैंपिंग का कुछ सामान लेके आएंगे। जैसा कि हम काफी टाइम से अपनी कैंपिंग और राइडिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो एक एक चीज करके हम सारा कुछ इकट्ठा कर रहे हैं। तो आज हम जा रहे हैं आजाद नगर मार्केट, वहां से देखते हैं क्या हमें पसंद आएगा और क्या हम लेके आएंगे। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो में, आपको लेके चलते हैं आजाद नगर मार्केट। हम आ चुके हैं अपने संतोष भाई के पास और हमारे संतोष भाई लेके जाएंगे अब हमें आजादपुर मार्केट। तो बने रहे हमारे इस वीडियो में, आपको दिखाते हैं आजादपुर मार्केट के नजारे। सही कह रहा, चल फिर वहाँ चलेंगे, करोल बाग से मिल जाएगा। और तो नहीं निकलेंगे, चाहिए निकलेंगे तो इधर से ही देखते हुए चलते हैं। हाँ, क्या पता कोई दुकान खुल रही हो। ठीक है, बढ़िया है, सही लगा। मतलब कोई सारा झंझट नहीं है, कुछ नहीं आ गया आजाद। तो हम आ चुके हैं विनायक सेल पे, अभी हम आपको दिखाते हैं यहाँ का कुछ जो दुकान का। तो ये देखिए, ये है विनायक सेल। ये यहाँ पर घर के अंदर इन्होंने होलसेल बना रखा है। अभी यहाँ से हम सामान खरीदते हैं और आपको दिखाते हैं। तो फाइनली हमने लिया है एक स्लीपिंग बैग और एक ये पोंचो और एक ये फ्लेम गन और ये हमारा स्टोव। ये है हमारी पिलो जो हमारे भाई साहब ने हमें बहुत ही अच्छे रेटों में दी है। और वैसे तो भाई साहब बड़े फेमस हैं यूट्यूब पे, फिर भी हम बताते हैं विनायक सेल के ओनर हैं, जिन्होंने हमें बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। और ये सामान अभी फिलहाल जिसकी ज़रूरत थी, ये हमारे संतोष भाई और आपके सिंह व्लॉगर ने मिल के लिया है। तो बाकी हम इस दुकान का एड्रेस वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब चलते हैं हम यहाँ से करोल बाग, कुछ बाइक का सामान लेना है। तो अब हम जा रहे हैं करोल बाग। हमें जाना था आजाद मार्केट, बट आजाद मार्केट संडे होने की वजह से बंद पड़ी थी। फिर हम सीधा विनायक सेल पर आ गए। अब विनायक सेल से आपने देखा, हमने थोड़ा सा सामान लिया, स्टोव, स्लीपिंग बैग वगैरह, और इनकी मैं अनबॉक्सिंग और पूरी अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। अभी हम चलते हैं करोल बाग, वहां से कुछ बाइक का सामान लेना है राइडिंग से रिलेटेड। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में, आपको करोल बाग के भी नजारे दिखाते हैं। तो फाइनली करोल बाग से घूम के हम आ गए हैं अपना सामान लेके, और आईएसबीटी पे देखो क्या सुहाना मौसम हो गया, बारिश के नजारे एकदम फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, मैं मार्केट से आ गया हूँ सामान लेकर, और आपने देखा हम आजाद नगर मार्केट गए, बट वो बंद थी, तो वहां से ही हमें डायरेक्ट विनायक सेल जाना पड़ा। फिर उसके बाद हम करोल बाग गए, वहां से थोड़ा सा सामान लिया। तो जो जो मैंने सामान लिया है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। शॉप पे मैं पूरी तरीके से दिखा नहीं पाया था, अब मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या क्या लेकर आया हूँ और उनको अनबॉक्स भी करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, दोनों बच्चे आ गए हैं हमारे सामान को अनबॉक्सिंग करने के लिए और आपको दिखाने के लिए। तो कनिष्का के हाथ में ये है एयर पिलो, कनिष्का इसको खोल के दिखाएगी और फिर हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जो इसका साइज रहने वाला है वो किस तरीके का होगा। तो ये देखिए, ये एयर भरने के लिए कुछ है और इसका ये साइज है, और ये देखिए साइज में देखे तो काफ़ी अच्छा है। और हमने दो पिलो ली हैं, एक पिलो ऑलरेडी हम भर चुके हैं, तो हम दिखाते हैं ये दूसरी पिलो है हमारी, ये हवा भरने के बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगी और एक बंदा आराम से सो सकता है। तो चलिए, ये है हमारा पोंचो। तो ग्रंथ पोंचो को ओपन करके दिखाइए, ग्रंथ अभी आपको पोंचो को ओपन करके दिखाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मानसून का दौर है और हम जो नेक्स्ट राइड करेंगे, हो सकता है हम जाएं और बारिश मिल जाए हमें रास्ते में, तो ये हमारे सारे सामान और बैग को हमें कवर कर लेगा। ये पोंचो है, ये काफ़ी स्पेशियस है, इसको ओढ़ने के बाद बैग अच्छे से कवर हो जाता है। तो बच्चे अभी निकाल रहे हैं इसको, हम आपको पूरा फुल व्यू दिखाते हैं इसका।
तो देखिए ये हमने कवर से बाहर निकाल लिया है पोंचो, और आप किट्टू गुड्डू इसे खोल के दिखाएंगे इसका जो साइज रहने वाला है। बच्चों चलो दिखाओ ये कितना बड़ा है। तो ये देखिए ये पूरा खुल गया है, और ये इसका साइज देखिए कितना बड़ा होने वाला है। ये हमारे सिर का हिस्सा है, और बाकी ये देखिए ये पूरा इस तरीके से कवर हो जाएगा ये नीचे तक। तो आप इसके साइज से देख सकते हैं आप इसमें पूरे कवर हो जाएंगे। और कहीं पे आपको एज ए तिरपाल काम करना है, टार वगैरह बनाना है, तो इसके अंदर हमारे चारों कोनों पर रस्सियां दी गई हैं, रोप्स हैं, उसे बांधकर हम इसको बना सकते हैं। तो अब अगला चलते हैं हम। ये हमारा स्लीपिंग बैग है, तो ये देखिए ये रिबॉक का स्लीपिंग बैग है, वाटरप्रूफ स्लीपिंग बैग 2-in-1 -30 degree 6 layer। तो ये हमारा जो बैग है ये हमारा -30 degree है, जो लद्दाख में भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अब बच्चे कर रहे हैं अपने स्लीपिंग बैग को अनबॉक्स, और इसका फुल रिव्यू आपको दिखाएंगे। तो बच्चा पार्टी निकालिए। तो देखिए बच्चों ने अपने स्लीपिंग बैग को बैग से बाहर निकाल लिया है। अब इसको हम दिखाते हैं इसकी लेंथ वगैरह। तो बच्चों इसको खोल के दिखाइए। तो ये देखिए ये बच्चे इसको खोल के दिखा रहे हैं, ये -30 degree है। ये देखिए ये पूरा इस तरह से ये इतना लंबा है, ये 6 feet है। और इसकी जो खूबी है वो हम अभी आपको बताते हैं। तो हम दिखाना चाहते हैं ये डबल लेयर है, एक इसमें ये है और दूसरी ये है। जी हाँ, यदि कम ठंड की जगह पर आप जाते हो तो आप सिंगल इसको यूज कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है कि ज्यादा सर्दी है तो ये इसमें दूसरा इसका ये फर वाला आप कंपार्टमेंट ऐड करके इसको कर सकते हैं। और ये -30 degree है, जो लद्दाख में आप कहीं भी कैंपिंग करेंगे तो आपको सर्दी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो ये काफ़ी अच्छा है, और इसकी जो क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है। और इसमें ये वेलग्रो है अटैच करने के लिए, और इधर जो इसकी ये जिप वगैरह है, इधर आप देखिए जिप की भी क्वालिटी अच्छी है। और इस तरह से ये पूरा आपका ऐड हो जाएगा। तो हमारा ये स्लीपिंग बैग है जो काफ़ी अच्छा है। अब हम एक चीज़ और लेके आए हैं, वो आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी EP फोम है, जो एक योगा मैट का काम करने वाली है। तो इसको हम अपने टेंट में अंदर बिछाएंगे। अभी हम इसका साइज दिखाते हैं। बच्चों इसको खोलो, दिखाओ ये कितनी बड़ी है। ये देखिए ये पूरी 3x6 feet की है, जो हमारे टेंट में पूरे आके अच्छे से कवर कर देगी सारी चीज़ों को। और ये वाटरप्रूफ है, हम आराम से इसको सो सकते हैं, नीचे से कोई पानी आने का खतरा भी नहीं है। तो मैंने योगा मैट देखा, योगा मैट से ज़्यादा अच्छी मेरे को ये लगी, तो इसलिए मैंने ये ली। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।